झापड़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों के खाने के नाम पर 38 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। जहां पर मरीजों की संख्या को ज्यादा दिखाया गया, फिर उनकी डाइट के खर्च के तौर पर कागजों में 38 लाख रुपए खर्च कर डाले। इतना ही नहीं, 6 महीने तक डायटिशियन को प्रभार ही नहीं दिया गया और इस दौरान नॉन प्रोफेशनल लोग ही कैंटीन का जिम्मा संभालते रहे। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक डायटिशियन है और एक स्टूअर्ड है। मेडिकल कॉलेज में भोजन की व्यवस्था की बेसिकली जवाबदारी डायटिशियन की होती है और अब आपने मुझे संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा मुख्य स्त्री और इस पर जैसे भी होगी मैं कार्रवाई करूंगा। प्रभाव तो अभी जब से कोविड पेशेंट आ रहे हैं तब से प्रभाव दिया गया है, 15 to 20 days हो रहा है और ज्वाइन किए 6 months हो चुका है। क्यों नहीं मिल पाया? अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा वो होता है कि कैसे आना है, और फिलहाल अभी इतने पेशेंट बढ़ गए हैं तो प्रभार मिला है तो इसको अभी मैं देख रही हूँ प्रॉपर तरीके से कितना अच्छा कर सकती हूँ। अभी तो सब अच्छे ड्रेस अपने दिए हैं। काम अगर जायज हुआ है तो कार्रवाई की फिर कोई बात नहीं आएगी, लेकिन अगर नाजायज पेमेंट है किसी तरह से जितने मरीज नहीं है उससे ज्यादा का उन्हें भुगतान निकाल लिया है तो जरूर जांच करके कार्रवाई करेंगे। हालांकि लिखित में मेरे पास अभी तक किसी ने शिकायत दी नहीं है, मौखिक ही बात आती रही है, पर कोई कार्रवाई ऐसी कोई शिकायत आती है तो जाँच जरूर करें। संवाददाता राम कुमार ज्यादा जानकारी के लिए मेगापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मरीजों को खाना खिलाने के नाम पर 38 लाख रुपए का घोटाला, राम कुमार क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पा रहे हैं आप? इस बार हालांकि जो अस्पताल है मेडिकल कॉलेज अस्पताल ये कई बार इस तरह के चर्चों में रहा है, लेकिन इस बार जो है मरीजों को जो खाने का है उसमें जो है बड़ी धांधली की गई है, जिसमें कि 38 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, जो अतिरिक्त जो है खर्च दिखा करके जो है पेमेंट ले लिया गया, जबकि उतने मरीज वहाँ थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। अगर साल भर की बात करें तो साल भर में अगर 2019-20 की बात करें तो 43,000। मैं आपके पास लौटूंगा राम कुमार, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त SP कुजूर जुड़ गए हैं हमारे साथ, पूर्व अस्पताल के अधीक्षक हैं, पूर्व अधीक्षक हैं इस अस्पताल के। SP साहब स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताएं सर, कागजों में 38 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है खाना खिलाने के नाम पर मरीजों को। वो गलत है जानकारी, एक्चुअली जो मरीज की संख्या बताया ना वो थोड़ा कम बताया है, वो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे कोई बात नहीं हुई है। तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए? जांच आप कराना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब ये जांच ये मरीज की संख्या कम बताई गई, मरीज अकेले जितने रहते हैं उसमें को दिया गया इस तरह से है। नॉन प्रोफेशनल लोगों की बात भी सामने आ रही है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना, जो मरीज लोगों की संख्या जो बता रहे कम बता रहे हैं वो कम नहीं है, वो जहाँ से डाटा लिए हैं जो मरीजों की संख्या ज्यादा है उसके हिसाब से वो ठीक है, वो मैंने पता किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, आप SP साहब से सवाल कर सकते हैं। राम कुमार, मरीजों की संख्या ज्यादा होने की बात कही जा रही है। सर मैं मेरा एक सवाल है ये कि अगर साल 2019 और 20 की अगर हम जो निकालेंगे डेटा निकालते हैं तो 43,847 मरीज जो है कि नॉर्मल मरीज है और 5,339 जो है वो गैनी वार्ड जो है जो महिला वार्ड में है, तो इनका टोटल अगर बात करें तो साल का अगर भोजन का बात करें तो 1,60,00,000 रुपए का बजट आएगा, लेकिन अगर इस हिसाब से हम लेकर के चलें तो 1,99,00,000 का जो भुगतान है जिसमें 38 लाख एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है, जो ये जो बातें जो सामने आई है जो रिपोर्ट है इसकी मैं इसके सवाल का जवाब बता रहे हैं ना, जो मरीज संख्या जो बता रहे हैं वो कम है, एक्चुअली मरीज संख्या ज्यादा है, जो डाटा लिया गया है वो डाटा थोड़ा कम है, अगर डाटा तो ज्यादा है उसमें जैसे मैंने तो मरीजों की संख्या ज्यादा है तो व्यवस्था उस हिसाब से क्यों नहीं है? कुजूर साहब जी, 38 लाख रुपए कहाँ गए? तो उस पर अगर मरीजों की संख्या ज्यादा है तो मरीजों की संख्या है कितनी एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे तो जो हमारे पास जो डेटा है जो हमने स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी जो रखा सामने जो 43,847 और 5,339 का है, तो टोटल अगर मिलाते भी हैं तो 48,000 कुछ होता है।
जवाब दीजिए अच्छे से। आपके हिसाब से क्या कितना होना चाहिए, अगर आपका जो साथ अगर आपके मरीजों का नहीं आता है तो उस पर बता दे थोड़ा। नहीं मरीज नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, मरीज की संख्या जो है ना, मरीज एडमिटेड मरीज की संख्या है वो है, उनके साथ जो आते भी है ना अटेंडेंट्स वगैरह जो आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट्स जो आते हैं उनको भी कभी जोड़ा जाता है उनमें, तो उनको भी देखो उतना ही हो जाता है, मतलब संख्या ज्यादा ही हो जाती है। अभी आप अटेंडर की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप कह रहे थे मरीजों की संख्या ज्यादा है, अटेंडर को जोड़िए मरीजों को जोड़िए या फिर मरीजों को जोड़िए, दोनों ही बात कह रहे हैं आप। अभी अटेंडर पे आ गए, पहले कह रहे थे मरीजों की संख्या ज्यादा है। नहीं मरीजों का डाटा लिया गया था ना, इन टोटल बोला जिसमें खाया। आप अपने एक बयान पर रहिए ना सर, एक स्टेटमेंट पर रहिए। मेरा स्टेटमेंट ये है कि मरीजों की संख्या के साथ उनके अटेंडर भी साथ में रहते हैं, तो हो सकता है उनको जोड़ के ज्यादा हुआ होगा। अब भी आप कह रहे हैं हो सकता है जी, अस्पताल तो सिर्फ मरीजों के लिए होता है ना सर जी। नहीं एक्चुअली क्या, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ रास्ते में हूँ, मेरे को इस तरह से जानकारी मिली, इस तरह से है कि मरीज की संख्या एक्चुअली वो लिया जो डाटा केवल मरीज के लिए है, लेकिन मरीज संख्या थोड़ी ज्यादा है उसके हिसाब से। ठीक सर, ठीक सर, जो बहाने हमेशा चलते रहते हैं, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अखबार इंदौर से है जहाँ पर